भवेन, मेरी बात समझ। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, किंतु किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा, समझ गया। हाँ, किंतु सबको क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? अरे वो आंखें फाड़ कर देख सकते हैं, किंतु तू कान फाड़ के मेरी बात सुनना भाई। देख देख, स्थिति ऐसी है कि मैं किसी को दिखाई नहीं दे सकता। ओ, 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 क्या हुआ? जीजा जी, आप अदृश्य हो, आपके अंदर ये भी शक्ति है। लेकिन जीजा जी, आपकी ये शक्ति मुझ पर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप तो मुझे दिखाई दे रहे हो। गोविंद गोविंद गोविंद, मेरी बात समझ। तू बुद्धिमान है ना? हाँ हाँ, तो मेरी बातों से अधिक मेरी बातों के अर्थ को समझ। मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ इस घर में 3 माह के लिए। यदि इस अवधि के दौरान मुझे बाहर वालों ने से किसी ने देख लिया तो फिर मैं विजयनगर में कभी नहीं दिखाई दूंगा। इसीलिए एक क्षण जीजा जी, आप छुपे हुए हो? मैं छुपा हुआ हूँ इसलिए आप किसी को दिख नहीं रहे हो। नहीं दिख रहा तो फिर आप मुझे कैसे दिख रहे हो? वापस वहीं पे अटका, क्योंकि गोविंद मैं तेरे सामने खड़ा हूँ ना, इसलिए तुझे दिख रहा हूँ। तो फिर बाहर वालों को क्यों नहीं दिख रहा? ओ, क्योंकि मैं छुपा हुआ हूँ इसलिए नहीं दिख रहा। समझ गया जीजा जी। हाँ, आपके अंदर ये जो अदृश्य होने की छुपी हुई शक्ति है ना, ये तभी सक्रिय होगी जब आपको कोई बाहर वाला देखेगा, और फिर आप सदैव अदृश्य होकर विजयनगर में रहोगे। आप तो धन्य है जीजा जी, आप शक्तिशाली है। चरण कहाँ आपके? चरण स्पर्श जीजा जी, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श जीजा जी। हे माँ, ये कौन से कर्मों का फल है? पीड़ा दिए बिना तो ये मेरे प्राण छोड़ेगा नहीं। तूने इसे मेरा भेजा खाने के लिए भेजा है ना? ओ बुद्धिमान बालक, उठो 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 उठो, मेरे पैर छोड़ो। हाँ जीजा जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया कि तुझे नहीं समझाया जा सकता, इसलिए तू कुछ मत समझ, कुछ भी मत समझ, बस मात्र एक कार्य कर। क्या जीजा जी, बस एक ही कार्य? हाँ, एक ही कार्य, एक ही कार्य कर। कुछ क्षण के लिए चुप रहे और मुझे सोचने दे। आ नहीं, चुप, मैं सोच के। जी 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 जी, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी सोच पूर्ण हो चुकी और मैं फिर से शब्दों का प्रयोग करके बोल सकता हूँ? रामा, कोई पूर्णता मूर्ख व्यक्ति होता है तो हम उसे कुछ समझाने का प्रयास नहीं करते और बच जाते हैं, परंतु ये 13 साला आधा मूर्ख है। तू इसे समझाने की कुल्हाड़ी चलाता रहेगा और अपना ही पैर काट लेगा। ये बाहर जाकर अपना मुख खोलते ही तेरे घर में छुपे होने का रहस्य खोल देगा। हाँ बंधु, ना इसे रोक सकता हूँ ना समझा सकता हूँ, करूँ तो क्या करूँ? अब मुझे अपने ही देश में भेष बदल कर जाना होगा और इसके साथ बाहर जाना होगा ताकि मैं इसे संभाल सकूँ। जितनी इच्छा है उतना खाओ। भ्राताश्री, विजयनगर आने के पीछे हमारी 2 इच्छाएं थी। क्या? एक तो भ्राताश्री से मिलकर ही पूरी हो गई और दूसरी विजयनगर के बाजार से खरीदारी करने की है। बहना, तुम्हें तुम्हारे भ्राताश्री के घर में सब अनुमति, परंतु बाजार जाने की क्या आवश्यकता है? हम है ना, हम स्वयं बाजार जाएंगे, बाजार को उठाएंगे और घर के सामने लाकर रख देंगे। भ्राता श्री, हमें जाना है, बाजार घूमना है, हमें तो बस आप आज्ञा दे दीजिए। तुम हमसे आज्ञा क्यों मांग रही हो? हमें आदेश करो, हम स्वयं अपने हाथों से तुम्हें खरीदारी कर पाएंगे। पालकी में बिठा कर लेकर जाएंगे तुम्हें, तुम पालकी में और पालकी हमारे कंधों पर। पालकी निकालो, पालकी निकालो। जी गुरु जी। का।
जीजा जी पगड़ी ये नहीं, ये वाली दिखा। वाह, ये पगड़ी तो बहुत ही सुंदर है। बता आपको कितनी सुंदर लगी रामा जीजा जी। तू क्यों मुझे मरवाने पर तुला हुआ है? रामा जीजा जी नहीं, केवल जीजा जी। जीजा जी के अतिरिक्त कुछ मत बोलना। क्या बोलेगा? रामा जीजा जी। अरे गुरु बहन अनंता लक्ष्मी की, गुरु तथाचार्य की, गुरु बहन अनंता लक्ष्मी की, गुरु तथाचार्य की, गुरु बहन अनंता लक्ष्मी की, गुरु तथाचार्य। प्रभु ये क्या हो गया? ये तो सिरमुनवती वाले पड़ गए, जिससे सबसे अधिक बचना था वही आ गए। बहन अनंता लक्ष्मी की, क्या करूं? अरे तू क्या देख रहा है? चल भाग यहाँ से। अनंता लक्ष्मी की, गुरु तथाचार्य की। जीजा जी आप मुझे घुमाने लाए हो या भगाने? और ये क्या, मैं पगड़ियां पहन दो चूड़ियां नहीं? और मेरे जीवन में अब तक तो हाथ भी नहीं है जिन्हें मैं चूड़ियां पहना सका। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से हिलना भी मत, मेरे से पूछे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाना तुम, आई बात समझ में? हिलना भी मत। रुको बहन अनंता, हम बाजार आ गए, तुम्हें जो लेना हो लो दिल खोल कर, कोई दाम बोले तो हमारा नाम बोल देना। भ्राताश्री हमें ना रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदनी है। अवश्य अवश्य, जितनी चूड़ियाँ लेनी है लो। वो कोने वाली दुकान है ना, वहाँ पर हैं चूड़ियाँ। हाँ हाँ चलो आओ आओ आओ। मनी ये बुड्ढे ने हमें पारिवारिक दास बना के रख दिया है। धनी ये सब मिलके आज हमारा तेल निकालेंगे कोल्हू की बेल की तरह। भाई मेरे साथ जो यहाँ पर चूड़ी देख रहा था उसे कहीं देखा क्या मेरा साला? वो कहाँ गया? जी हमने नहीं देखा। ये आवाज तो कुछ जानी पहचाने लग रही। ए गोविंद तो पंडित रामाकृष्ण, तुम यहाँ क्या सोच रहे? क्या सोच रहे थे हम तुम्हारी आवाज नहीं पहचानते? हम तो तुम्हारी खामोशी भी पहचानते। ये 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 आंखें टेढ़ी क्या कर रखी है? सीधी करो। और ये भेष बदल कर घूम रहे हो। चल 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 हमारी बहन। बहन बहन ए दुष्ट, छोड़ छोड़ हमारी बहन को छोड़, नेथम अभी अभी ये पालकी दे मारेंगे। छोड़ना मत। बहन फिर से जम गई। जोर से बोलो। अब छोड़ 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 तुझ प्राणी, अभी इसी समय बोल स्पष्ट कर, तूने हमारी बहन को स्पर्श कैसे किया? भ्राताश्री हम स्पष्ट करते हैं, पालकी हिलने के कारण हम पर मुद्रा मूर्छा छा गई। अगर ये नहीं होते तो फिर हम पत्थर बने, इस पत्थर से टकराते और फिर पत्थर ही बने रह जाते। शिव 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 शिव, बच गई हमारी बहन। पर वो रामा था, वो पंडित रामकृष्ण था। कहाँ गया वो? ये भी गया। गुरुजी हमारा कहाँ देख रहे हो? गुरु बहन तो सकुशल हमारे सामने खड़ी है। ये देखिए, अरे मूर्ख को हमारी दृष्टि उसे खोज रही है, अभी पंडित रामकृष्ण यही था। बहन अनंता जाओ जाकर चूड़िया लो जाओ। हमारी दृष्टि से ओझल कैसे हो गया? कैसे ओझल हो गया वो? हम गुरुजी की सहायता करते। गुरुजी यहाँ पंडित रामकृष्ण नहीं है, आपको भ्रम हुआ है। गुरुजी यदि अकेले में पंडित रामा का विचार आए तो चलेगा, परंतु भरे बाजार में सबके सामने ये भ्रम हो जाए तो उचित नहीं है। पहले हमने पंडित रामकृष्ण की आवाज सुनी, फिर वो हमें दिखाई भी दिया, तो कहाँ गया वो? पंडित रामकृष्ण की भाग्य ने उसे देश निकाला दिलवाया।
के उसे हमारे सामने लाया। तो क्या गुरु जी? जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करके कोई बच भी जाए, परंतु विजयनगर में रहकर हमसे राजगुरु भट्टाचार्य से बचा नहीं जा सकता। जीजा जी, किसी को नहीं, किसी खूबसूरत कोमल काया वाले को गिरने से बचाने का आनंद ही कुछ और होता है। शरीर में खुशी की कितनी लहरें उठ जाती है। अरे खुशी की लहर में तैरना बंद कर, नहीं तो मुझे काल कोठरी के पैरों में जाना पड़ेगा। यदि गुरुवर ने मुझे देख लिया ना तो मैं कभी विजयनगर का नहीं रहूंगा, बता रहा हूँ। जीजा जी, मैं हूँ ना, और जब मैं हूँ तो फिर चिंता कैसी? आपकी हर चिंता का मैं सामना करूंगा। तुझे जिसका सामना करना है तू कर, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं किसी के सामने नहीं आ सकता। गोविंद चल शीघ्र घर चलते, सीधा सीधा आजा। लेकिन हम सीधे सीधे घर नहीं जा सकते, घर उधर है, हम उल्टी दिशा में घूम कर जा रहे हैं। वही तो, जब समय ही उल्टा चल रहा हो तो क्या तो सही दिशा और क्या उल्टी दिशा। किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अधिक समय तक तेरे साथ रहा तो कोई ना कोई तो अवश्य पहचान लेगा मुझे। कोई क्या, आपको तो हर कोई अवश्य पहचान लेगा। अर्थात जितने समय से आप यहाँ रहे हैं, यदि इतने समय तक मैं भी रहूं तो मुझे तो गली का कुत्ता भी पहचानने लगेगा। ओवेंद, मैंने तुझे समझाया है ना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। लेकिन जीजा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अभी आप मेरे सामने हो और कुछ देर पहले बाजार में थे। ये बात तेरे और मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं पता गोविंद। जीजा जी, आप भूल रहे हो, ये मेरी बहन, आपकी पत्नी और भास्कर की माँ, तीनों को पता है। तीन है? हाँ, तीन नहीं, चार। गुंडप्पा को भी तो पता है। गोविंद, कान से मात्र सुन मत, मस्तिष्क से समझ। देख, घर वालों को पता है ठीक है, बाहर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। क्या नहीं पता चलना चाहिए? यही कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन जीजा जी, घर वालों को भी नहीं पता कि आप यहाँ हो। हमने तो रास्ता ही अलग लिया है ना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से रास्ते से आ रहे हो? मैं रास्ते की बात नहीं कर रहा, मैं विजयनगर की बात कर रहा हूँ। रास्ता भी तो विजयनगर में ही है ना। अरे किंतु मैं विजयनगर में नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। भाई आप विजयनगर में ही हैं। भाई साहब, ये मेरे जीजा जी विजयनगर में है ऐसा आपको लगता है, मगर ये है नहीं। धन्यवाद भाई। है जी, मुझे कुछ क्षण दीजिए, मुझे सोच लीजिए। नहीं, तुम कुछ नहीं सोचोगे। जी, मैंने सोच लिया। आप बस यहाँ कुछ देर रुकिए, मैं जाकर सबको लेकर आता हूँ। तब तक आप अपने असली रूप में आ जाइए, फिर सब आकर आपको पहचान लेंगे और आपकी पहचान की समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं समाप्त हो जाता हूँ गोविंद, मैं समाप्त हो जाता हूँ। तू सीधे सीधे शीघ्र घर चल मेरे साथ। कहाँ लगी तुम्हें बहना, बताओ, हाथ में लगी है? बोलो ना। संभल के इसे, हमारी बहन का मुख जल जाएगा। स्वामी आप निश्चिंत रहिए, वो नहीं जलेगी। हम ही लेप लगाने के पश्चात ही उनको दूध पिलाएंगे। लेप किस लिए? हमें कोई घाव नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारा सौभाग्य तुम ठीक हो। वरुण वाला लेप लाई हो तो लगा दो ना, प्रतीक्षा मत करो घाव लगने की। देखो बहना, वो तुम्हारी जो पालकी थी वो हमारे कारण नहीं, हमारे आवेश से डोली थी, जो हमें उस पंडित को देख कर आता है। परंतु चिंता मत करो, हमने उसकी उसकी नौका को बीच समंदर में धकेल दिया है, बस वो डूबने से पहले छटपटा रहा है। छोड़ो उसकी बात छोड़ो, तुम सच से बताओ ये घाव कहाँ लगा है? घाव लगा तो नहीं, परंतु हाँ लग सकता था। अगर वो वहां नहीं होता तो हमारा तो सर ही फट जाता। अनंत लक्ष्मी ना, ये क्या कर रही हो? अपने शुभ मुख से अशुभ क्यों बोल रही हो? तुम क्या कर रही हो? लगाओ, लगाओ। हाथ पर लगाओ, हाथ पर लगा दो। भ्राताश्री, अगर वो नहीं होता तो हम पत्थर पर गिर जाते, परंतु वो पंडित है कौन? है नहीं था और अब वो रहेगा भी नहीं। परंतु वो पंडित था कौन? वो है एक पाखंडी, है पाखंडी है वो। उसके बाप का घड़ा हमने कई बार अपने हाथों से भरा है, परंतु इस बार हम उसे खाली नहीं होने देंगे, फोड़ देंगे। परंतु
हमने तो उसे समीप से देखा है। हमें तो वो ऐसा नहीं लगता, किसी मूरत से भी अधिक भोला प्रतीत होता है। बहना बहना हमारी बहना, भोली तो तुम हो जो इस प्रकार मुख में राम और बगल में छुरी रखने वाले को समझने में सक्षम नहीं हो। उस पंडित को देखकर तो ऐसे लगता है जैसे वो लोमड़ी में बंदर समाया हो। नहीं नहीं, वो तो सुंदर लग रहा। अनंता अनंता, देखो बहना, उसे अपने मस्तिष्क से निकाल दो, जाओ जाकर विश्राम करो। और हाँ, सोने से पूर्व उसे भूल जाओ, क्योंकि शीघ्र ही विजयनगर भी अब यही करने वाला है। चलिए आप हमारे साथ विश्राम करने चलिए। आ जाओ, और वो सुनो, लेप लगा देना है। जी अवश्य स्वामी। जाओ 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 जाओ। पंडित रामकृष्ण गुरुजी, गुरु बने की कोई बात समझ आई? इसमें समझ नहीं जा सकता, क्या नादान है। प्रेम ही नादान होता है गुरुजी। अब मुझे तो लगता है कि आपकी बहन को पंडित रामकृष्ण पसंद आने लगे हैं। गुरुजी, मुझे भी लगता है कि पंडित रामकृष्ण का चालू चल गया, प्रेम बाल लग चुका है। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। कुछ नहीं उठा सकता शारदा, इतना थक गया हूं कि कुछ भी नहीं उठा सकता मैं। हम कह रहे हैं कि आप घर में प्रवेश कर ही चुके हैं, तो आपने जो ये वेशभूषा पहनी है ना, उसे उठा लीजिए। सही कहा, वैसे भी इस भेष का कोई लाभ तो हुआ नहीं है। गुरुवर ने मुझे देख लिया और संभवतः पहचान भी लिया होगा। क्या? हाँ, और ये सब संभव हुआ है तुम्हारे इस महान महान भाई के कारण। मूर्ख कहीं का। एक क्षण एक क्षण एक क्षण, आपको याद तो होगा कि देश निकाला किसे मिला है? मुझे। और ये भी याद होगा कि घर से किसको जाना पड़ा? नहीं भूला, मुझे जाना पड़ा। आपको ये भी ज्ञात होगा कि अपने ही घर में चोरों की भांति छुपकर कौन बैठा है? मैं बैठा शारदा। तो सब कुछ जब आपका किया धरा है, तो मेरे भाई को मूर्ख क्यों बोला? अपने दोषों की पोटली मेरे भाई के सर पे मत डालिए। ये बापू को हमेशा गलत लोग ही क्यों मिलते हैं? उनकी वजह से मुझे भी ऐसा मामा मिला है। शारदा महोदया, जितना क्रोधित होना है मुझ पर बाद में हो लेना, पहले अपने इस महान भाई से पूछो, क्या जरूरत थी मुझे छोड़कर जाने की? इसके कारण लगभग मुझे पकड़ लिया था और पक्का पहचान भी लिया होगा। यदि गुरुवर की बहन डगमगा कर पालकी से नहीं गिरती, तो मेरी डगमगाती हुई नैया पक्का डूब जाती आज। देखिए गुरुवर, आपके शत्रु तभी से हैं जब से आप विजयनगर में प्रवेश हुए। कल क्या हुआ मेरे भाई को? अपने दोषों का कारण मत समझिए। पता नहीं गुरुवर अब कौन सी योजना बनाकर मेरे बचने की योजनाओं पर पानी फेर देंगे। और ये गोविंद महाशय उन्हें बताने चला था कि मैं यहाँ पर हूँ। पता नहीं गुरुवर के मस्तिष्क में अब क्या चल रहा होगा। मुझे तो लगता है कि आपकी बहन को पंडित रामकृष्ण पसंद आने लगे। पंडित रामकृष्ण का जादू चल चुका है गुरु बहन पर, प्रेम मार लग चुका है। यदि नहीं मुझे कथन वेदन में सच जाए, पंडित रामकृष्ण तो चुनाव में इतना कह दिया है, तो हम अपनी दुष्टता में आकर भूल जाएंगे कि पंडित रामकृष्ण का कितना विनाश करना है और कितना नहीं।